कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन आज मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, दरअसल IMF और वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि अगर कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में गरीब देशों के अलावा विकसित और विकासशील देशों पर बहुत बुरी आर्थिक मंदी पड़ सकती है। लेकिन क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है ठीक 90 साल पहले। उस समय भी बिल्कुल ऐसी ही एक महामारी पूरी दुनिया भर में छाई हुई थी। आर्थिक मंदी का दौर उसके बाद आया, हजारों लाखों नौकरियां पूरी दुनिया भर में चली गई और उसके बाद आया विश्व युद्ध द्वितीय। लेकिन उस ग्रेट डिप्रेशन में क्या कुछ हुआ था, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। 20वीं सदी के शुरुआती साल दुनिया के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। जंग के खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ही ली थी कि 1918 में फ्लू महामारी फैल गई। स्पेनिश फ्लू के नाम से मशहूर हुई इस महामारी ने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली। कहा जाता है कि भारत में इसने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली। यूरोप की 1/3 आबादी को ये फ्लू लील गई। इन दोनों ही घटनाओं का भयंकर असर हुआ। लेकिन 1920 का दशक अमेरिकी लोगों के लिए समृद्धि ले आया। 1920 से 1929 के बीच देश की संपत्ति दोगुनी हो गई। पहली बार गांव में कम और शहरों में ज्यादा लोग रहने लगे। पूंजीवाद का उत्थान हो रहा था। देश भर में चेन स्टोर खोले गए। लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई और इसने उनके जीने के तरीकों को ही बदल दिया। चाहे रेडीमेड कपड़े हों या फिर रसोई में इस्तेमाल के उपकरण, वॉशिंग मशीन या वैक्यूम क्लीनर, अमेरिकी लोग सामान खरीदते नहीं थक रहे थे। समृद्धि के इस दौर को इतिहास में रोरिंग 20s के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब अमेरिका में लोगों ने कारें खरीदना शुरू कर दिया। 20 के दशक के अंत तक हर 5 अमेरिकियों पर सड़क पर एक कार मौजूद थी। लेकिन इतना सब खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा था? दरअसल अमेरिकी बैंक्स ने लोगों को क्रेडिट यानी कि लोन देना शुरू कर दिया। लोगों के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। एक दूसरा करिश्मा था मार्केट स्टॉक। पैसा लगाओ, इंतजार करो और उसे बढ़ता हुआ देखो। देश के बड़े बड़े व्यवसायी हों, नौकरी पेशा लोग हों या फिर झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा चलाने वाले लोग हों, हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता था। शेयर बाजार इस कदर बढ़ता चला गया कि अगस्त 2029 में ये अपने शिखर पर पहुंच गया। लेकिन फिर खुशहाली के बाद मंदी आना शुरू हो गया। इस खुशहाल देश में कुछ बदल गया। अगस्त 1929 तक बैंकों के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया कि उन्हें चुकाना मुमकिन नहीं रह गया। अब लोगों की खरीदने की क्षमता कम होने लगी। बाजारों में सामान नहीं बिक रहा था। इस कारण उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इस हाल में महंगाई भी बढ़ गई। 14 अक्टूबर 1924 को घबराहट में आकर निवेशकों ने इतने शेयर बेच डाले कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लाखों के शेयर कौड़ियों के भाव पहुंच गए। बाजार में हुई इस गहरी उथल पुथल के नतीजे में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। लाखों की तादाद में नौकरियां चली गई। जो नौकरियां बची भी उनके भी वेतन में भारी कटौती हुई। बैंक से लोन लेकर आलीशान जिंदगी जी रहे लोग अब कर्ज में डूब गए थे। 1930 में 40 लाख अमेरिकी बेरोजगार हो चुके थे और 1931 आते आते ये संख्या 60 लाख पे पहुंच गई। देश का औद्योगिक उत्पादन आधा हो चुका था। किसानों का ये हाल था कि फसल काटने के लिए मजदूरों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा था। ऐसे में किसान खेतों में ही फसल को सड़ता छोड़ने पर मजबूर थे। एक तरफ भूखे लोग जिनके पास खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं था और दूसरी ओर खेती में बर्बाद होता अनाज। हालात तब और खराब हो गए जब 1930 में देश में भीषण सूखा पड़ने के कारण और लोगों की जान चली गई। इस दौरान काम की तलाश में गांवों से शहरों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर लगातार यही कहते रहे कि वक्त के साथ साथ आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 1933 तक देश में हजारों बैंक को ताला लग चुका था। इस दौरान एक प्लान ये बनाया गया कि सरकार बैंकों को लोन दे और बदले में बैंक कंपनियों को लोन दे दें ताकि नौकरियां बचाई जा सके। लेकिन रिपब्लिकन राष्ट्रपति हूवर इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि सरकार का काम नौकरियां पैदा करना या नागरिकों को आर्थिक सहयोग देना नहीं होता। जनता को अब हूवर से कोई उम्मीद नहीं थी। अमेरिकी लोगों ने डेमोक्रेट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को अपना नया राष्ट्रपति चुना। 1933 में जब रूजवेल्ट ने देश की कमान संभाली तब अमेरिका की 20% जनता बेरोजगार थी। रूजवेल्ट ने ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जिनसे लोगों को रोजगार दिया जा सके। उन्होंने देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी लागू कराया। उनके प्रयासों से अर्थव्यवस्था कुछ संभली लेकिन 1930 के दशक के अंत तक देश में मंदी से उभर नहीं पाया।
अमेरिका से शुरू हुआ ये ग्रेट डिप्रेशन दुनिया भर में फैला। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, यहाँ तक कि भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ा। मंदी के इस दौर ने लोगों के जीवन स्तर को बदल दिया, उनकी राजनीतिक विचारधारा पर भी असर पड़ने लगा। यूरोप के कई देशों में इस दौरान उग्र दक्षिण पंथ का उदय हुआ। ये वही काल था जिसमें हिटलर ने जर्मनी की बागडोर अपने हाथों में ली। 1932 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन संसद में पहुंचने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 6 महीने बाद हिटलर को चांसलर बनाया गया। राजनीतिक तौर पर वह यूरोप और पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जिसका नतीजा 1939 में यूरोप में जंग के रूप में सामने आया। 10 साल तक चला मंदी का ये दौर दूसरे विश्व युद्ध के आगाज के साथ खत्म हुआ। इस बीच अमेरिका हिटलर के खिलाफ फ्रांस और ब्रिटेन का साथ देने का फैसला कर चुका था। जंग के लिए हथियारों की जरूरत थी। अमेरिका ने नई फैक्ट्रियां खड़ी की और लोगों को यहां रोजगार मिलने लगा। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया और फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरे जोरों पर पहुंच गया। देश मंदी के दौर से बाहर आ गया, लेकिन 1945 तक चलने वाली इस जंग में फंस गया। 100 साल पहले की तरह आज फिर से एक महामारी फैली है। IMF घोषणा कर चुका है कि आर्थिक दौर पर इस महामारी का असर ग्रेट डिप्रेशन जैसा हो सकता है। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अगर दुनिया 2020 के अंत तक इस महामारी से नहीं उभरी तो बेरोजगारी दर कहां पहुंच जाएगा? अर्थशास्त्री इसका अंदाजा लगाते हुए चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा बढ़ी है, तो क्या कोरोना संकट से होने वाली आर्थिक मंदी उग्र दक्षिणपंथ की ओर बढ़ावा देगी? क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगर ऐसा हुआ तो नतीजे वायरस से भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं।